दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर मैं बताने वाला हूं जिन लोगों की फिटिंग सही नहीं आती, यानी कि वो सिलाई तो कर लेते हैं मगर उनकी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आपको यहाँ पर ब्लाउज के पैटर्न चाहिए, कटोरी कट या बेल्ट वाले ब्लाउज, तो हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पैटर्न को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज ही इस वीडियो में पूरी स्टिचिंग बताने वाला हूँ, किस तरीके से कुर्ती कटिंग होगी वही बताने वाला हूँ, जिन लोगों के नेक ऊपर को चढ़ते हैं यानी सामने का हिस्सा ऊपर को चढ़ता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद परवेज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूप फैशन प्लस। तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं, जिन लोगों का नेक ऊपर को चढ़ता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमेशा अपने इस फ्रंट से अपनी बैक को आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह तो आपका नेक कभी भी ऊपर को नहीं चढ़ेगा आपका फ्रंट, और आपका फ्रंट हमेशा सही लेवल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको फिटिंग के बारे में, जिन लोगों की फिटिंग सही नहीं आती, ये यह यहाँ पर लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट, ठीक है। तो लोअर ब्रेस्ट यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच का फर्क आ सकता है, और जो अपर ब्रेस्ट होती है या 46 इंच है वो होगी, मगर ऊपर यहाँ पर 1-2 इंच कम होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कटिंग करें। उसके बाद आप कभी भी नेक बनाते हैं ना, तो इसको हम हटा देते हैं एक तरफ को, और यहाँ पर हम लेंगे ये वाला पल्ला, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमारी ये बीच का सेंटर है, इस तरीके से एक कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद में हम अपनी कुर्ती को इस तरीके से रख लेते हैं। दोस्तों सिलने को तो सब सिल लेते हैं, ठीक है, मगर जो सही तरीके से काम अगर आप करेंगे तो यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा। अब दोस्तों आप मान लें, जैसे हमारा बीच का सेंटर है ये, इस तरीके से हमने क्रीज बनाई थी ना, उसमें हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमने ये निशान लगा लिया, शायद आपको दिखता होगा, ये हमने बीच सेंटर में निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ पर नेक बना रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक है। और इस पे जो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे ना, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके का कट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे, ठीक है। अब कट लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा ये बीच का निशान है, बीच का सेंटर है, तो इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है, सिलाई अटैच कर देंगे, जिससे हमारी ये वाली चीज बिल्कुल सेंटर और लेवल में आएगी, ये इधर उधर को नहीं जाएगी। चलिए तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में आपको बताएंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना नेक बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ना आपके, देखो यहाँ पर है कितना, 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 3 इंच है। तो इस तरह से अगर आप कुर्ती का अपना नेक बनाते हैं तो बिल्कुल फिट आने वाला है। अब दोस्तों मैं बात करूं जिन लोगों के गले डीप होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, तो जैसे बनाया उन्होंने, मानो जैसे मेरा यहाँ पर 6.5 इंच है, मानो उन्होंने 9 इंच बनाया या 9.5 इंच बनाया या 8 इंच बना लिया, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, जो हमारी टीक है ना, कि इसको आपको इस तरीके से सिलाई नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उन लोगों को क्या करना है कि अपने कंधी को ना आगे की साइड में डाउन करेंगे, नेक की साइड है ये, आर्मूल की साइड है, ठीक है, और ये हमारी नेक की साइड है। तो यहाँ से हम इस वाली साइड में इस तरीके से सिलाई लेके आएंगे और इस वाली साइड में दबाएंगे हल्की सी, जिससे क्या होगा कि हमारी ये कंधी के जो जॉइंट है ना वो चिपके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी मशीन पर चल के और इसे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो मैंने ये आगे को डाउन बताया है ना इधर को, तो आपको उसमें क्या करना है, जो आपके हैवी नेक हैं, जैसे डीप गले हैं, उनमें ये इस्तेमाल करेंगे ट्रिक। और जैसे मेरा ये नेक है 6.5 इंच का, इस पर इस्तेमाल नहीं करना है, इस पर आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। तो हम इस तरीके से लेंगे और आपको टीक ज्वाइन करना बताते हैं, जो बहुत सिंपल तरीके से। तो हमारा ये बैग वाली ये है, ठीक है, जहाँ से हमारी पाइपिंग निकली है, इसके बराबर में यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी लेंगे टीक, ठीक है, और इसको नेक को हम बिल्कुल इससे चिपटा के रखेंगे और दबा के खूब, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा पीछे को रखना है, ये चीज देखिए, और इसको इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है, और यहां सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा करके रखेंगे और यहां सब गले को सेट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहां पर सिलाई लगा दी है। अब यहां पर इस तरह मार्जिन कटिंग कर लेंगे हल्का हल्का और इसको पलट लेंगे। तो आप देखेंगे ये, देखो ये अंडरग्राउंड हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से टीक जोड़ाई हो चुकी है, और यहाँ पर ये वाली भी, ठीक है।
अब हम आपको बताते हैं नेक की सिलाई। कुछ लोगों की सिलाई फलक जाती है पीछे वाले नेक की, तो उसको आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से लगाना है और आप ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब जब आएगी गोलाई, ठीक है, ये नेक की जो गोलाई होती है तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ जो किस लोगों की घूम जाती है ना, पलट जाती है, इसमें ऐंठ आ जाती है, तो ये बिल्कुल ऐंठ नहीं आएगी। आप यहाँ पर गोलाई देख सकते हैं, हमारे नेक की गोलाई कितनी प्यारी है पीछे की, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पाइपिंग निकालें। अब चलिए अपने काउंटर पे हम आपको बताते हैं इसकी साइड जोड़ना बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर अपने नेक को फिट कर लिया है, कंधी जोड़ दी है। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये कमी कर देते हैं कि यहाँ पर देखो ये इस तरीके से चोंच बना देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से गोलाई लेना है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, तो यहाँ पर इस तरीके से गोलाई लेना है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाना है, यहाँ एक पट्टी लगा देना है जिससे हमारी ये चौक ना फटे, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लेना पट्टी लगाने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, मगर यहाँ चोंच नहीं बनाएंगे इस प्रकार चोंच नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम गोलाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जिससे यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो चलिए हम साइडों में सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला लें सारे पार्ट्स को और यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो मेन टॉपिक कहाँ पर है मैं बताऊँ आपको, ये पहले कट से कट मिला लें और इसको यहाँ चोंच ना बनाएं, ठीक है, इसको गोलाई से ले लें इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई में ले लें। तो इससे क्या होगा, आपका हारमोनी बड़ा नहीं होगा और यहाँ पर देखो चोंच भी नहीं बनी, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें उस वाली साइड में सिलाई लगा देना है, मैं आपको वो वाली सिलाई भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे सिलाई, अच्छी तरीके से कट मिला लें। अब दोस्तों हमने यहाँ सिलाई लगा दी है, ठीक है, सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस पे एक एक सिलाई और लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है, हमारी कुर्ती यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हमें यहाँ पर बाजू चढ़ाना है, मैं उसका तरीका बताता हूँ। जिन लोगों का आर्मोल छोटा या बड़ा बैठ जाता है, तो मैं आज आपको ये बताऊँगा किस तरीके से हमें यहाँ पर परफेक्ट अपने आर्मोल को फिट करना है। तो दोस्तों देखिए, हमारी ये स्लिप्स हैं, आपके अगर आर्मोल छोटे या बड़े बैठते हो तो मैं उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। देखो जहाँ से हमारी सिलाई लगी है, ये मार्जिन है, इसको कर लेंगे इस तरह फोल्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो मार्जिन है इसको भी कर लेंगे फोल्ड, क्योंकि ये हमारा मार्जिन है। अब यहाँ से नापेंगे इस प्रकार, ठीक है, खींच के नापना है आपको अपनी कंधी को, और यहाँ से देखिए ये हमारा निशान जो हमने कटिंग करा था बिल्कुल सही है। अगर आपका निशान गड़बड़ होता है ना, तो आप इस तरीके से नापें और यहाँ पर निशान लगा लें इस तरह। अब यहाँ से जो भी आपके स्लिप्स का मुंह हो उतना सिलाई लगा दें। तो हमने देखिए यहाँ पर सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो भी धागे वगैरह हैं वो कट कर लेंगे। हमें धागे हाथ के हाथ कटिंग करना चाहिए, ना कि बात के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि बात को रह जाते हैं। अब इस तरीके से हम अपना मार्जिन फोल्ड करेंगे या कुर्ती सीधी करके भी नाप सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक बार चेक फिर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार हमें अपनी ये वाली स्लिप्स को फिट कर लेना है, यानी कि इस तरह बना लेना है। तो दोस्तों देखो, हमारा ये 1.25 इंच का गैप है, ये आपको स्लिप्स में ज़रूर रखना है सामने की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चढ़ाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर इसको फिट करेंगे स्लिप्स को, जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी बना लेंगे चोंच इस तरह, जो हमारे बगल में झोलना है, और ये वाली साइड ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला लेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा कुर्ती का मार्जिन है ये वाला, उनको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मार्जिन कम लेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे। अब इसी प्रकार हम अपने पूरे आर्मोल को चढ़ा देंगे, आप देखना यहाँ पर कितना फर्स्ट क्लास चढ़ेगा।
ये देखिए कोई छोटा या बड़ा नहीं बैठा, मगर यहाँ आपको दो सिलाई लगाना है। मैं बात को लगाऊंगा, अभी आपको दिखाने के चक्कर में सिर्फ एक सिलाई लगाई है। तो आर्मोल हमारा फिक्स बैठा और यहाँ पर देखिए हमारे ये जो स्लेब्स है वो बिल्कुल चढ़ चुकी है। और यहाँ पर देखिए आर्मोल हमारा कोई भी यहाँ बड़ा नहीं है, जबकि ये हैवी साइज है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स चढ़ा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी स्लेब चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा, हमने दो यहाँ ब्लू कुर्ती अपनी तैयार कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने प्रेस नहीं करी है इस पर। और देखो यहाँ पर इस जगह कोई भी चोंच वगैरह नहीं बनी है। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमने कंधे में एक स्टेप लगा दी हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर आप स्टेप लगा देते हैं तो आपकी कंधी कोई नहीं गिरेगी। इसमें आप ब्लाउज़ वाले हुक लगा सकते हैं या टिच बटन लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी कंधी में। अगर आपके कभी भी किसी ब्लाउज़ की या कुर्ती की कंधी गिरती हो तो आप यहाँ पर स्टेप लगा दें तो उससे आपकी कंधी नहीं गिरेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर देखो ढाल इस तरीके से लिया है तो यहाँ पर कोई भी आपकी कंधी गिरने का चांस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमने यहाँ साइडों में देखो चौक भी इसके फोल्ड कर दिए हैं, पल्लू भी फोल्ड कर दिया है। अगर आपकी कुर्ती यहाँ से लंबाई कम हो कुर्ती की तो आप इस तरीके से यहाँ पर पट्टी लगा सकते हैं और इसमें तुरपाई कर लें, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको जिनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आप हर चीज़ का अपने ध्यान रखें, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ आर्मोल पे ढाल नेक में जो बड़े नेक होते हैं उनका आगे को देना है, पीछे को नहीं देना है। और इस तरीके का नेक बनाएंगे तो आपको यहाँ पर पीछे को ढाल देना है, ठीक है। और आपको कंधी किस तरीके से जोड़नी है इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर लोअर ब्रेस्ट और अपर चेस्ट जो होती है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।